बनाए कैसे करता लोडो गोली ऐसे अबे पहले तू बंद करना ये तेरे लिए नहीं बना तू बता क्या कैसे लोड करते हैं गोली खाना बड़ा बड़ा ये लोड पहले कहाँ से सिखा रहे कहाँ से कैसे हाँ। नहीं पर लोड कर गोली को पड़ी रहने ये तो अपनी वो देख रही अपना काम देख रहे स्कूल का उसको संस्कृत का काम आया इसका संस्कृत कैसे लोड कैसे कर दी अपनी गोली को ऐसे करके ऐसे करते क्या नहीं। तो आर्गो भी आती कैसे हाँ ऐसे कर तो निकालो पहले फिर के अंदर एक गोली इसमें गोली कैसे जाएगी कितने इसमें हाँ करना करियो कितने गोली लोड करने में गोली कैसे करके दाग गली में एक बार अरे कितनी बार ऐसे ऐसे तो अंदर कौन तीर है तू तो ये वास्तु मुझे पता है बता दो ऐसे कर दो एक गोली हाँ एक गोली लगा दो फिर ना एक बंदा घुसा दो फिर वो बंद हो जाएगी ना उसके बाद इसको ऐसे राम राम जी सारे ने वो आज छोटी सी क्लिप थी वासु की शाम की मस्ती थी वो शाम को अपनी मस्ती में था तो थोड़ी सी क्लिप बना ली उसकी हमने और अब इसके पापा गए ड्यूटी बच्चे तो गए हैं स्कूल में यूटी टेस्ट चल रहे हैं तो सबके जाने के बाद मैंने अपनी बनाई चाय और चाय पीने के बाद मैं फिर लग जाऊँगी अपने काम पर चाय को मैंने बीच में ही छोड़ दिया पहले मैंने अपने कपड़े समेट लिए क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा कि मशीन ही लगा दूं पहले और फिर बाद में चाय पीऊँगी ताकि कपड़े भी धुलते रहेंगे ऊपर और अपनी चाय बाद में पी लूँगी आके एक काम छोड़ के दूसरा काम करना पड़ता तब जाके काम होता है सारा और फिर मैं आ गई अपना ऊपर मशीन लगाने के लिए ये कपड़े तो दिख रहे हैं ये मैं अपने हाथ से निकाल रही थी कुछ दिन तक थोड़े थोड़े क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा हो रखा था तो मैं साथ ही साथ अपने हाथ से धोती थी कपड़े थोड़े थोड़े फिर भी कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते थे इतने हाथ से नहीं धुल पाते थे कपड़े तो मैंने अब अपनी लगा दी मशीन लगा के फिर मैं अपने नीचे आ जाऊँगी क्योंकि नीचे का भी काम करना है मशीन में तो घंटे भरने पड़ते हैं तो ये तो घंटे ले गए अपने धोने से अब मैंने अपने आके चाय गर्म करके चाय पी ली और फिर मैं लग गई अपने काम पे जो सुबह गए थे सभी का मैंने खाना बनाया जो लेके गया खा के गया किसी ने चाय ली किसी ने दूध लिया तो ये सारे बर्तन होंगे मेरे झूठे रात को तो हम सारे साथ के साथ सारे साफ करके सोते हैं कभी भी झूठे नहीं छोड़ते तो मैंने अब सभी को मैं इनको अब समेट दूँगी सबसे पहले जब रसोई साफ़ हो जाती है तो आधे से ज़्यादा ही काम हो जाता है मेरा मैं सोचती हूँ यही कि मेरा काम हो गया आधे से ज़्यादा फिर तो बार बार का होता है वो तो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ सबसे मेन काम तो मेरा रसोई का ही होता है सारा रसोई को मैं साफ़ करके फिर अपना दूसरा काम से समेटूँगी ये थोड़ा सा आटा रखा है मेरा मैं जब कोई रोटी मांगेगा बच्चा तो उसको मैं बना के साथ साथ गर्म गर्म दे दूँगी अब मेरी रसोई हो गई है पूरी साफ़ और फिर मैं लग जाऊँगी अपने बाहर वाले कामों में रसोई को कर दूंगी मैं बंद अब मैं लगा दूंगी पोचा फिर बालका ने स्कूल तक ले जाऊंगी टाइम हो गया है 10:30 11 बजे बच्चों को स्कूल से लाना है और ऊपर कपड़े भी धुल रहे हैं वो भी निचोड़ने हैं मैंने तो अब मेरा झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया सारा घर अंदर से मैंने कर दिया सारा साफ अब मैं बाहर से डेली कभी धोती हूँ कभी झाड़ू निकालती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे खेलते हैं वो कुछ ना कुछ कूड़ा फेंक देते हैं घर के सामने तो मैं सारा डेली घर से के बाहर से साफ़ करती हूँ और सारा मैं नीचे का अपनी सफाई करके फिर मैं अपना आ गई ऊपर कपड़े धोने के लिए क्योंकि मेरे कपड़े हो गए बहुत सारे इकट्ठे जो मैं अपने बीच में आके निकाल के जा रही थी मशीन में से कुछ पड़े हैं अभी जो साथ साथ धोती रहूँगी इनको भी मशीन में और हुए जो कपड़े मैंने पहले धो दिए थे उनको मैं निचोड़ती रहूँगी साथ के साथ मौसम भी ने भी धोखा कर दिया अब होने लगी बारिश अब सोच रही हूँ कपड़े कहाँ डालूँगी क्योंकि कमरे की हमने सारी ये अपनी लपाई उतरवा रखी है क्योंकि हम इसका फिर से सारी करवाएँगे इसकी पाई होएगी फिर से इस कमरे में तो अब कपड़े तो मेरे को जाल पे ही सुखाने पड़ेंगे पर आएंगे नहीं सारे कपड़े डबल डबल तीन तीन बार चार चार बार ही डालने पड़ेंगे ऊपर नीचे करके और
बस। और आर्यन की रिपोर्ट तो शाम को ही ले आए थे हम, डॉक्टर ने बोला कि है तबीयत ख़राब, अभी 2-3 महीने इसकी दवाई चलेगी, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके इसका इसको आराम होएगा। और मेरे कपड़े गए हैं धुल, अब मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं सारे बाहर रस्सी पे डबल डबल करके। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? राम राम सारा ने।